कौन है आईपीएस स्वप्न शर्मा, जिनसे नाराज होगी मोदी शाह और डोभाल की टिकड़ी। 3 महीने पहले दिया था एक टास्क, साथ में भेजी थी सेना, फिर भी 3 बार हुए फेल। ऑपरेशन एपी के उस किरदार की कहानी जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। यह है आईपीएस स्वप्न शर्मा, जो हिमाचल प्रदेश के डोंग गांव में पैदा हुए। स्टेट पीसीएस की परीक्षा पास कर बीडीओ बने, फिर 2009 में यूपीएससी की परीक्षा देकर आईपीएस बन गए। वर्दी पहनते ही इन्होंने गैंगस्टर को इतना दौड़ाया कि दिल्ली तक इनके चर्चे थे। जब कोई भी नेता मंत्री बैठता, कहता उस आईपीएस को बुलाओ, हालात बदल कर रख देगा। डीजीपी तो इतने मुरीद थे कि 4 बार डीजीपी डिस्क अवार्ड तक दे दिया। एसपी से डीआईजी की रैंक तक प्रमोशन हो गया, लेकिन डीआईजी बनते ही उनसे एक गलती हुई जिससे मोदी शाह और डोभाल की तिकड़ी नाराज होगी। इस गलती की शुरुआत होती है 24 जनवरी 2023 से। इन्हें अच्छे काम का अवार्ड मिला और प्रमोट होकर डीआईजी बन गए, लेकिन कहते हैं तभी केंद्र सरकार ने इन्हें मिशन पंजाब का जिम्मा दे दिया। यहाँ अंदर खाने बड़ी तैयारियां चल रही थी, लेकिन बाहर सब कुछ चंगा सीखा दिखावा था। स्वप्न शर्मा तेज सरार आईपीएस माने जाते हैं, उन्होंने पद संभालते ही सब कुछ पकड़ लिया। बवाल बड़ा था, इसीलिए जाल बिछाने शुरू कर दी। उनकी रणनीति थी कि मौका मिलते ही चौका मारें, लेकिन जैसे ही मौका आया ऐसा लगा सब कुछ हाथ से निकल गया। अजनाला थाने के दरोगा सिर खुजा रहे थे, डीजीपी ये सोच रहे थे कि इस काले दिन पर जवाब कैसे दें। कहते हैं कि उसके बाद भी इन साहब पर भरोसा जताया गया और अभी पंजाब में जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी कमान इन्हीं आईपीएस स्वप्न शर्मा को इस शर्त पर दी गई है कि आप शांति लाएंगे। लेकिन इनसे 10 दिनों के भीतर ही 3 ऐसी बैक टू बैक गलतियां हुई जिसने देश भर में सवाल खड़े कर दिए। पहली गलती, 18 मार्च को जब ऑपरेशन एपी लॉन्च हुआ तब वो ढंग से जाल नहीं बिछा पाए, उनका प्लान फेल हो गया। दूसरी गलती, डीजीपी और आरएफ से तालमेल बिठाकर पंजाब की सीमाएं सही से सील नहीं करवा पाए, आरोपी भाग गया। तीसरी गलती, 28 मार्च की रात 28 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा किया, उसे दबोचते उससे पहले वो नाके से भाग गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने बड़े रैंक के अधिकारियों को ये बताना पड़ेगा कि नाकेबंदी कैसी होती है? क्या डोभाल को खुद पंजाब में उतरकर इसे लीड करना होगा? अब तक जो खबर है उसके मुताबिक पंजाब से दिल्ली तक कई अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। कई अधिकारी रात रात भर जाकर ये अपडेट लेते हैं कि जिसके लिए हमें इतनी तगड़ी प्लानिंग की वो भागा कैसे, वो खुलेआम चैलेंज कैसे कर रहा है, तो उसका भी किस्सा आपको सुनाते हैं। यह लिस्ट देखिए, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी हिंदुस्तान के टॉप 10 थानों की लिस्ट है, जिसमें आपको कहीं भी पंजाब के किसी भी थाने का नाम नहीं दिखेगा। इस लिस्ट में टॉप पर है उड़ीसा, जिसे कई लोग गरीब राज्यों में गिनते हैं, वहाँ का थाना इस लिस्ट में टॉप पर है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की पुलिस सबसे शानदार है। इसमें गुजरात से लेकर दिल्ली तक के थाने हैं। एक एक कर 10 थानों का नाम देखेंगे तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि आपकी पंजाब पुलिस की रैंक कहाँ टिकती है। हम ये नहीं कहते कि पंजाब में जाबाज अफसरों की कमी है, सारे राज्यों के जवानों को अगर खड़ा कर दें तो पंजाब की पुलिस अपनी लंबी कदकाठी और पर्सनालिटी में अलग ही दिख जाती है, लेकिन कभी कभी पर्सनालिटी से ज्यादा दिमाग काम आता है। पर्सनालिटी पालकर आप समाज के दुश्मनों को नहीं पकड़ पाएंगे। आपकी यहाँ की सबसे सुरक्षित भटिंडा जेल में बैठकर एक अपराधी इंटरव्यू देगा, वो डीजीपी को चैलेंज कर कहेगा कि हम तो मोबाइल ऐसे ही ले आते हैं, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिहाज से शर्मनाक है। क्या आपको नहीं लगता पंजाब पुलिस को जिस तेजी और सतर्कता से काम करना चाहिए था उसका तरीका कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है? क्या तकनीकी के जमाने में पुलिस से तेज आरोपी चलने लगे हैं? फिलहाल की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है। बाकी आप पंजाब की हालत पर क्या कहेंगे हमें कमेंट में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।